पिछले एपिसोड में आप लोगों को याद होगा यार, मैंने अपने सुपरमार्केट में $10,000 लगाए थे, जिनका मैंने यार अपने दुकान को अपग्रेड किया, नए नए जगह खरीदे, साथ ही साथ यार मैंने बहुत सारी सामाने खरीदी। मैंने 8-9 फ्रीजर खरीदे थे, फ्रिज भी मैं खरीदा था, साथ ही साथ कोका कोला, थम्सअप, स्प्राइट, टॉयलेट पेपर से लेकर के ब्रेड तक हर एक चीज मेरे दुकान में है यार। और आज गाइस हम लोग सारे सामानों को बेचने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कितना ज्यादा कमाई होने वाला है। सो वेल यार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपरमार्केट सिमुलेटर, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू अवर सुपरमार्केट भाई। एंड ये जो आप दुकान देख रहे हो ना, ये मैंने पिछले एपिसोड में पूरा का पूरा अपने हाथों से सजाया है। बात वो अलग है कि भाई मैंने बहुत सारी चीजों में प्राइस टैग ही नहीं लगाया होगा। ये देखो भाई, क्लींजर वगैरह में तो प्राइस टैग ही नहीं है, और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बोल ही दिया था कि भाई वीडियो के स्टार्टिंग में लगा देना, तो यार मुझे ऑफकोर्स याद है। और साथ ही साथ मुझे ये फ्रिज मन को भी भरना है, तो आ जाओ यार। आज यार दुकान बेचने से पहले, दुकान नहीं बेचना है, सामान बेचने से पहले फ्रिज को भी भर देते हैं। ओके, सोडा मंगा लेते हैं, जैप सोडा 5 डब्बा, ऑरेंज जूस 5 डब्बा, एप्पल जूस 5 डब्बा। लेकिन मैं मंगाऊंगा कैसे भाई, मेरे पास तो $10 बस है यार, वो तो प्राइस को तो मैं देख ही नहीं रहा था। गाइस आप लोग मानोगे नहीं, ये पूरा दुकान $10,000 का है जो आप देख रहे हो। इतने सारे फ्रिज लगाए हैं मैंने यहाँ पे, कितना फ्रिज है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 फ्रिज यहाँ पे, 14, 15, 16, 17 फ्रिज है अपने एक दुकान में, 17 फ्रिज भाई, 17। इतना मॉल वगैरह में होते हैं, ठीक है, तो ये कह लो अपना मिनी मार्ट है, सुपर मार्केट है, ठीक है। चलो खैर, आज का दिन ओपन किया जाए। वैसे सबसे पहले यार प्राइस टैग लगा देते हैं। ये क्लींजर है यार, बर्तन धोने वाला है, देखो बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, तो इसको हम लोग बेचेंगे $20.54। और टॉयलेट पेपर ये बिकेंगे $15.47, थोड़े से महंगे। और ये वॉलिन है जो खिड़की में छिड़कते नहीं है, ये वो है, इसको अपन थोड़ा सा नहीं बराबर रेट में बेचते हैं। और ये है शैम्पू बेचेंगे 2.15 में। यार इसमें एक और चीज ऐड हो गया भाई, यहाँ पे 12 पीस रखे हुए हैं, ये पहले नहीं था, शक्कर यहाँ पे 12 पीस है, यहाँ पे 6 पीस दूध है, 5 पीस दूध है, अब यहाँ पे नंबर भी लिखे हुए हैं कि कितने पीसेस सामान रखे हुए हैं, ये नहीं था शायद अपडेट में यार। चलो खैर, सारी चीजें मैंने लगा दी है रूम, लेकिन मेरा अभी तक नहीं खुला यार इसका। प्लीज अगर आपको कुछ पता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, वो कैसे लगता है। बाकी एक और चीज है, ये बिकेगा 447 में ना, 480 में भेज देते हैं, कोई ना। आई गेस गाइज मैंने अब सारी चीजों में प्राइस टैग लगा दिया है, अब बस दुकान खोलने की बारी है, लेट्स गो गाइज। यार $10,000 मैंने दुकान पे खर्च किया है, देखते हैं आज का कमाई कितना ज्यादा हो पाता है। ओके, दुकान खोलते साथ भाई नो कस्टमर्स, तब तक यार बाकी जो सामान वामान पड़े हुए हैं उनको लगा देते हैं, इफ अगर कहीं पे जगह हो तो। ओके, दूध का एक डब्बा है पूरा, दूध यहाँ पे खाली है क्या? चलो भाई हो गया, क्या बात है यार, आज तो कोई आया ही नहीं भाई, दुकान खोले 1 घंटे हो गए, इतना सारा सामान ले लिया हूँ मैं और कोई आया नहीं है यार। बाकी खैर, चॉकलेट्स वगैरह भी पूरा पैक है यार, और क्या है, आटे हैं, आटा भी पूरा पैक होगा। बाकी कुकीज यार, ओके नीचे वाले जगह खाली है ना, ओके चलो कुकीज भी मैंने भर गया। आज के पहले कस्टमर, थैंक्स फॉर कमिंग सर। चौको पिकी ये भी पूरा बिक गया है, कोई ना। क्या ओ भाई, 2 कस्टमर आ गए आज भाई, बेदम कमाई होगी। लेट्स सी, आज मैं ज्यादा कुछ खर्चा नहीं करूंगा, खर्चा करना होगा तो एप्पल जूस वगैरह पे खर्चा करेंगे, बाकी कोई चीजों पे नहीं यार। स्प्राइट वगैरह है ना बराबर, भाई आधे से ज्यादा फ्रिज मेरी पूरी खाली है यार, ये फ्रिज देखो पूरी खाली है, ये फ्रिज भी कम्प्लीटली नहीं पड़ी हुई है, ये यहाँ पे भी फ्रिज कम्प्लीटली नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, न्यू है, ठीक है, नहीं है नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं है बोल रहा हूँ बट न्यू है। ओके, क्या 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 नहीं मिला भाई, ओए टकले क्या नहीं मिला साले मेरी दुकान में तुझे, इतना बड़ा दुकान में भाई कुछ नहीं मिल रहा बोल रहा है क्या? बाकी खैर यार, $26 आ जाओ भाई, एक कोका कोला बस लेगा यार, कुछ और भी ले लो भाई, इतना कुछ है दुकान में यार, कोका कोला पिएगा। हाँ वो बात भी है, इस गर्मी बहुत है यार। ये खरीद रहा है यार, दूध डब्बे अंडे सब। थैंक यू सर, आपके हो गए $31.45, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग भाई। $97 तो अभी से हो गए। ओके मैम, मैडम जी यार, आज लगता है झाड़ू पोछा लगाएगी अपने घर में, वो ले जा रही है, नहीं ये टॉयलेट साफ करने वाला है यार, कम बोर्ड वगैरह, ठीक है। चलो खैर यार, कुकीज आटा नमक यार, राशन खरीद रही है मैडम। चलो मैडम जी, आपका कार्ड का हुआ यार, इसमें QR कोड भी होना चाहिए ना भाई, पेटीएम फोन पे ऐसे स्कैन करो, पेटीएम पे देवी और सज्जनों ₹20 प्रॉब्लम, ऐसा वाला फील आता तब मजा आता ना यार। बट खैर सर, आपके हो गए $0.75, $0.70, ये लीजिए $0.71, थैंक यू सर। लो भैया दूध और आपके पास्ता दोनों हो गए $0.35, $35 यार। माउंटेन ड्यू पियो भाई, डर के आगे जीत है सर, आपके हुए $0.96। चलो भाई हो गया सर, भाई $300 हो गए, $300 गाइस, इतने जल्दी $300 कैसे हो गए भाई, अभी तो मैंने दुकान चालू किया है यार, $300 डैम ब्रो, दुकान के सुबह सुबह यार। बाकी खैर, जो जो जूस वगैरह मैं मंगा रहा था, चलो मंगा लेते हैं, $100 के कुछ थे जूस वगैरह, और अपने जूस वगैरह भी आ चुके हैं, लेट्स गो। पहले ये वाला
वाला जूस है ऑरेंज जूस, जो कि पूरा यहाँ पे लगने वाला है। लेट्स गो, ऑरेंज जूस हो गए और एप्पल जूस। ये क्या है? ये तो स्प्राइट है। स्प्राइट हम लोग रखेंगे ये वाले फ्रिज में। ओके नहीं, स्प्राइट वगैरह यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ एप्पल जूस वगैरह रहेगा। स्प्राइट का पूरा एक सेपरेट फ्रिज बनाऊंगा मैं, ठीक है? ये पूरा फ्रिज स्प्राइट का रहेगा। इधर के भी स्प्राइट को निकालो, इधर लगाओ ना मेरी जान, ठीक है? चलो यार, पूरा स्प्राइट हो गया। लेट्स गो यार, इधर तो लाइन लग गया भाई। यार तुम लोगों को समझ में आना चाहिए ना, मैं सामान जमा रहा हूँ तो बगल तरफ लग जाओ। ये तो कितनी सारी चौकोपी ले जा रही है भाई, महीने भर के लिए चौकोपी लेके जा रहे हो क्या मैम? चलो ठीक है, आपका भी हो गया। ये लो जी, आपके कॉफी भी हो गया है, $1.10। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, सॉरी आपको सर बोल दिया था। बाकी आपके बासमती चावल क्लींजर लगता है मैडम जी घर में यार जी, बस यार बाथरूम साफ करती है भाई, इतना सारा क्लींजर लेके गई है मैडम। ठीक है, थैंक यू मैम। बाकी यार ये रहा अपना कोका कोला। कोका कोला का भी मुझे एक सेपरेट फ्रिज रखना था, ये वाला फ्रिज। यार एक तरफ ये रहेगा ना, एक तरफ स्प्राइट रहेगा, एक तरफ कोका कोला, एक तरफ थम्स अप, तो समझ में आता है भाई ये क्या महंगा है भाई। वो महंगा है बोला यार, कुछ महंगे वाली चीजें सस्ती नहीं होने वाली यार। बाकी सर आपका भी हो गया, पानी बॉटल। भाई कितना सारा सामान ले जा रहा है यार, तेरे हुए हाथों ने परफेक्ट पैसा दिया, थैंक यू। बाकी यार एक और है, एक और सोडा का डब्बा है। लेट्स गो, इसको भी नीचे लगा देते हैं। परफेक्ट तो माय फ्रेंड, ठीक है। ओके सर, भाई ये स्पेगेटी, भाई तू बस चौमिन ही खाता है क्या दिन भर बैठ के? शैम्पू ले जा रहा है, चॉकलेट ले जा रहा है, समझ रहे? आटा वाटा भाई, रोटी वोटी खाओ यार, तभी तो बाल वाल उगेंगे टकलू मेरे जैसे भाई, एकदम शाहरुख खान। ठीक है यार, बहुत मजाक हो गया। बाकी यार एक और भाई, मैं कितना सोडा लिया हूं यार, इसको अभी फिलहाल यहां पे रखते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा है कह लो, इसको अभी हम लोग रख देते हैं इसके ऊपर, ठीक है, पानी बॉटल के ऊपर। बाकी ये क्या है, एक और सोडा। बाप रे बाप, भाई किसको पिलाना है यार, इतना सारा सोडा लिया हूं मैं। बाकी मैम आपके चॉकलेट्स, आपके बासमती चावल सब हो गए, शैम्पू वगैरह आपके हुए, $9 मुझे रिटर्न करने है, राइट? 78। लेट्स गो जी, आपके चिल्लर हो गए। भाई यार पास्ता लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, सस्ता बेच रहा हूँ क्या पास्ता में? $68.12। लेट्स गो यार, मैंने $10,000 लगाया ये दुकान में भाई, मजाक सेट के। और आप लोग ने भी, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि यार सामान भाई ये महंगा है भाई, कैसे? अच्छा $4 में बिक रहा है ना मार्केट में, लो भाई सस्ता कर दिया ये। अबे भाई ये $8 का बिक रहा है, क्या नुकसान में चल रहा हूँ यार मैं। बाकी ये भी कुछ महंगा था, 10, और ये भी कुछ, ये भी महंगा बेच रहा हूँ मैं, लेकिन लोग फिर भी खरीद रहे हैं, ज्यादा महंगा नहीं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था यार, मैंने दुकान में $10,000 लगाए लेकिन फिर भी भाई यार सीन अलग ही हो जा रहा है भाई। अभी तक खाली आज के दिन में मुझे बस $1,000 कमाई हुआ है भाई, मैंने $10,000 लगाए दुकान में यार, ये तो स्कैम है ब्रो यार, कुछ क्या नहीं मिला यार उसको, क्या नहीं? अच्छा अंडे खत्म हो गए क्या यार? फ्रिज वाले आइटम मैंने नहीं खरीदे ना आज, फ्रिज वाले आइटम भी लगा देंगे सर कल आप आना, अंडे क्या मुर्गी भी दिला देंगे आपको। चलो सर आपका भी हो गया, क्या नहीं मिला? अंडा नहीं मिला यार, अंडे खत्म हो गए दुकान में, ठीक है कोई ना, अंडे मंगा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स गो, ये हो गए भाई $1,200 एटलीस्ट हुए, अंडे खत्म हो गए ना, अंडे का 5 पैकेट मंगा दो भाई अंडा, एक कंप्लीट फ्रिज रख लूंगा भाई अंडे के लिए। अच्छा 9 बज गए ना, दिन खत्म होता हुआ। बाकी चलो जो जो सामान है, स्प्राइट और है, स्प्राइट का इतना सारा डबल ही होना यार मैं। चलो भाई, लेकिन अब दुकान अच्छा चल रहा है। ओ भाई ये तो पूरा दुकान का टॉयलेट पेपर लेके जा रहा है। 67 हो गए आपके सर, थैंक यू। आपके हुए एक दूध के डब्बे, भाई दूध बस हो गया यार, क्या है मतलब? बिस्किट वगैरह भी लेके जाओ सर, दूध और बिस्किट कॉम्बिनेशन। अच्छा टर्को सोडा खत्म हो गया दुकान में यार, टर्को सोडा किस कहते हैं भाई? टर्को। अच्छा ये सोडा ना 5 डब्बा इसके ही मंगाते हैं, हो गए सारा आइटम यार, और रात भी हो गई है। अच्छा ओ भाई इसमें तो इन लोग इधर से लाइन लग रहे हैं यार, ये क्या इन लोग इधर डब्बा बस लाइन में घुस जा रहे हो, डब्बा को इधर रखो यार। बाकी एक और ये डब्बा था, एक और स्प्राइट का डब्बा है, लास्ट है ये आई गेस, अब हो जाएगा पूरा। चलो भाई ये पूरा फ्रिज पूरा स्प्राइट का बन चुका है। बाकी क्या नहीं मिला क्या? अच्छा चीज भी खत्म हो गया ना, ओके पहले इतनी सारी चीजें मंगानी पड़ेगी मुझे, फिर मंगाते हैं सारी चीजें यार। लेकिन फिर भी आज का प्रॉफिट ठीक था यार, टॉयलेट पेपर भी खत्म हो गया राइट, टॉयलेट पेपर और क्लींजर भी खत्म हो गए, टॉयलेट पेपर है थोड़े से, और दूध भी खत्म हो गया भाई, इतनी जल्दी जल्दी बिक रही है सारी चीजें। बाकी यहाँ पे ये वाला जो सोडा था, हम लोग इसको यहाँ पे लगा सकते हैं भाई, एक्स्ट्रा है ये मेरे पास, लगा दो भाई लेट्स गो। ये भी था, हो गया। और कोई स्प्राइट वगैरह तो नहीं था ना? स्पेगेटी है, पानी बॉटल है, पानी बॉटल यहाँ लगाए थे। ये वाला को ऐसा रखते हैं, लाइक यहाँ पे सारी चीजें रखेंगे, ज्यादा सही लगेगा। ओके बाकी पानी बॉटल निकालो यहाँ से, यहाँ पे कहीं पे पानी बॉटल। ओके लेट्स गो गाइस, रात हो चुकी है एंड आज का दिन खत्म करते हैं। टोटल आए थे 39 कस्टमर एंड आज का प्रॉफिट हुआ है $1,700 भाई। डैम $10,000 लगाया था दुकान में लेकिन 1700 खाली प्रॉफिट हुआ भाई। लोन बिल सब पास हो चुका है। लोन वगैरह काय का लोन भाई, काय का लोन? लोन वगैरह तो पटा दिया है मैंने, काय का लोन? कोई लोन वो नहीं है मेरे पास कोई। अच्छा इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट तेरा सबने पटा दिया यार। ओके तो पहले जो जो सामाने थी पहले मुझे उसे मंगाना है, और फिर क्लींजर वगैरह है, डिश वॉशर को भी मंगा लेते हैं 4 डब्बा, टॉयलेट पेपर 4 डब्बे, और दूध वेयर इज द मिल्क ये बड़ा वाला 2 डब्बे। लेट्स गो गाइस यार, $800 का सामान मंगा दिया, कचड़े की तरह आया है भाई टॉयलेट पेपर तो। ओके एक और टॉयलेट पेपर, ये छोटे से डब्बे में इतने बड़े बड़े टॉयलेट पेपर कैसे आ जा रहे हैं यार? बाकी और
टर्की सोडा, ये दूसरा वाला, ये टर्को है, ये दूसरा, ये देखो ये कोला है, ये टर्को है, मतलब कह लो ये पेप्सी होगा, कह लो काइंड ऑफ, दिखा सब सेम ही है यार लगभग लगभग। और अंडे भी यहीं पे लगा देता हूँ मैं। चलो भाई यहाँ पे भी अंडे लग गए, अंडे तो मैं इतने सारे मंगाया ना, अंडे का पूरा शेल्फ बन जाएगा मजाक चट के, यहाँ पे पूरा अंडे रख देते हैं भाई। और क्लींजर का पैकेट भी मैंने मंगाया ना, ये कहाँ लगेगा यार, जगह भी तो ओके यहाँ रख सकते हैं यार। शैम्पू भी खत्म हो गया, मतलब ये शैम्पू का जगह था, शैम्पू खत्म हो चुका है। और क्या है, और अंडे भाई, कितना अंडा मंगाया, यहाँ पे हो गया ना अंडे, यहाँ पे भी लगा देते हैं अंडे। अंडे खाओ मस्त हो जाओ, अंडे खाते हो कि नहीं गाइस, वेज हो कि नॉन वेजिटेरियन यार, कि मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ यार, मैं तो खाता हूँ चिकन विकन यार। बाकी क्लींजर इसको कहाँ लगाऊ मैं, यहाँ तो पूरे फुल हो गए, इधर भी दूध रख चुका है, कहाँ रखे यार, तो दुकान में जगह भी नहीं दिख रही, यहाँ पे रखूंगा तो मजा नहीं आएगा। आई हैव एन आइडिया गाइस, अरे यार इसको पहले रखो तुम, ये शेल्फ को हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं शायद यार, ऐसे करके नहीं, फिर पीछे का व्यू नहीं आएगा यार, रुक जाओ कुछ जुगाड़ बनाते हैं इसके। यहाँ पे एक यहाँ पे जो कचड़े मन है ना यार, ये लॉकर रूम तुम लोग खोल के दो ना भाई, क्या दिक्कत है यार, $200 है, लॉकर रूम कैसे खुलता है, पीछे सामान रखता ना बढ़िया, अगर स्टोरेज मिलता तो। सेक्शन खरीदने बोल रहा है भाई, ये पूरा $800 का है भाई, इतना महंगा। मुझे रैक खरीदने बोल रहा है, रैक तो है यार मेरे पास, ये है ना स्मॉल रैक, रुको इसको खरीदते हैं, देन शायद इसके बाद खुले, अब खुलेगा क्या, नहीं खुला यार। परचेस रैक, भाई मैंने दो रैक मंगा लिए ब्रो, ये दे रैक, गेम में ग्लिच हो गया क्या भाई, ये दे रैक और ये दे रैक गाइस। और ऐसा भी नहीं कि मेरा गेम अपडेट नहीं है भाई, मेरा गेम अपडेट है यार, पूरा स्कैम है भाई, मेरे को इधर पूरा घुसाना पड़ेगा सब चीज को। चलो कैसे तैसे मैंने जगह बनाया यहाँ पे यार, यहाँ पे एक और ये लगाते हैं रैक, लेट्स गो भाई। अब यार डिश वॉशर वगैरह जो है उसको यहाँ पे रखते हैं, वैसे रखने का तो मन नहीं है बट यहाँ पे रखना पड़ेगा। और टॉयलेट पेपर भाई मैं कितना इतना सारा सामान मंगा दिया यार, रखने के लिए एक तो जगह नहीं है भाई, और ये सामान बेदम जगह ले रहे हैं, थोड़े से भी नहीं। और ये देखो अंडे भाई, इतना तो कितना, यहाँ मुर्गी कितना है यार, यहाँ इतना सारा अंडा दिया है मेरे को, देखो ये देखो भाई 100 अंडा मंगाया मैं आज एक ही दिन में, 100 अंडे, सारी मुर्गी आज ही अंडा दे दिए क्या भाई। बाकी क्लीन डिश को भी यहाँ रख देते हैं, बर्तन धोने वाले विम को, बाकी एक और डब्बा है। वाओ भाई मेरे को बहुत बड़ा दुकान लगेगा पता है, जिस हिसाब से मैं सामान खरीद रहा हूँ। और अच्छा टॉयलेट पेपर भाई मेरे को मत देख, नहीं देखना यार टॉयलेट पेपर, बाकी इधर का एरिया खाली है ना, ले भाई तू अपने पास टॉयलेट पेपर थोड़ा सा रख ले। ये क्या है, कोका कोला कितना, इसको भी नीचे लगाओ यार। वैसे फ्रिज की दिक्कत नहीं है, फ्रिज अपने पास 18-19 स्टॉक फ्रिज है, तो क्या ही दिक्कत है, भर देंगे फ्रिज को, ना कोई प्रॉब्लम भाई, लेट्स गो। चलो तब तक मैं दुकान भी खोलता हूँ, एक सेकंड डब्बे को यहाँ रखो, चलो दुकान खोल लेते हैं। बाकी यार आज सारी चीजें हैं दुकान में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो जो चीजें जमाने की है वो जमाते हैं। लेकिन यार मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई मेरे दुकान डूबने वाला है भाई, $10,000 कल मैंने से खर्च किए थे, मैंने सोचा था कि भाई एक ही दिन में पूरा $10,000 निकल जाएगा यार, लेकिन भाई कुछ निकला ही नहीं है यार अभी तक। लेट्स गो, हो गया। और क्या है, क्या चीज की कमी है दुकान में, सुसु कंपनी का शक्कर है यार, ठीक है बराबर है, बाकी शक्कर का डब्बा तो होगा, आटे पास्ता वगैरह कम हुआ, चलो पास्ता लगा देते हैं, यहीं पे रख देता हूँ डब्बा इसका। आटा निकालो यार, आटा भी शायद बहुत लोग खरीदे थे ना, तो चलो आटा भी मैंने रख दिया। लेट्स गो, आटे का डब्बा भी खाली, हाँ ये ठीक है यार कि फटाफट से सब सारी चीजों को मैं लगाते जाऊंगा ना, तो ये भी नहीं पड़ेगा कि लाइक कम हो रही है मेरे पास चीजें। जितने भी बचे हुए डब्बे हैं सबको मैंने लमसम खाली कर दिया है, पानी बॉटल का डब्बा है, और कहीं पानी बॉटल नहीं है, पानी बॉटल यहाँ पे क्या, नहीं यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है, चलो पानी बॉटल आराम से खाली करेंगे। बाकी यार ये वाला पास्ता को लगाओ, एक ही डब्बा था, ओके थैंक यू सर। डिश भाई पूरा क्लींजर आज ही खरीद रहे हो क्या, $25 हो गए, 25 सेंट सॉरी। और चॉकलेट्स कोई कल खरीदा था ना, चॉकलेट्स, हाँ चलो भाई चॉकलेट्स भी हो गए यार, डब्बे मन भी खाली होते जा रहे हैं। लेट्स गो, दुकान भी अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं कि भाई दुकान भी एकदम बर्बाद हो रहा है। ये वाले कुकीज के डब्बे भाई, ये कुकीज कोई खरीद नहीं रहा क्या, बहुत महंगे बेच रहा हूँ क्या मैं, एक भी नहीं बिका यार कल, एक भी नहीं, रुको इसका प्राइस चेक करते हैं। हाँ मैं तो सही तो बेच रहा हूँ, ना ज्यादा महंगा ना ज्यादा सस्ता यार। बाकी ये चॉकलेट, लेट्स गो, आई मीन पीनट बटर और कुकीज, बिस्किट्स का है, बिस्किट्स 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 लग गए, चलो बिस्किट्स भी लग गए, आई मीन बिस्किट्स। और यहाँ पे भाई ये देख रहे हो आंटी जी क्या ले जा रही है, टॉयलेट पेपर यार, दुकान तो यही खरीद, मतलब घर तो यही चला रही है मेरा यार। बाकी इसके अंदर क्या है, चोको पिकी, ये थोड़ा सा खाली हो गया था, चलो भाई। बाकी यार मैंने जो ये स्टोरेज खरीदा था इसके अंदर कुछ है, दूध के डब्बे हैं, दूध आई गेस दूध भी बहुत कम बिक रहा है यार, लेकिन दूध भी खाली, अच्छा नहीं हुआ दूध खाली यार, हाँ रखे रहते हैं। अच्छा यहाँ पे आंटी है क्या, ओके ठीक है आंटी सॉरी यार, दुकान भी चलाना पड़ता है आंटी, समझ रहे हो ना। तेल और स्प्राइट ले रही है मैडम, साइंस और स्टूपिड वाला सीन मत कर देना यार। ब्रेड है, टॉयलेट पेपर है, सब है काइंड ऑफ अपने दुकान में, हर चीज है। ओके उसको कुछ नहीं मिला, ब्लीच नहीं मिला, ब्लीच क्या होता है यार, लेट्स सी, ब्लीच 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 ब्लीच, अच्छा ये खत्म हो गया, ओके इसको दो डब्बा मंगाओ, ओके टिक टिक टिक, वो ग्रीन कलर का जो रहता है ना ये वाला यार, टोपी वाला, इसको ले रखा तो लगाऊं किधर, इधर लगाते हैं एक डब्बा, या अकेला चीजों का गाइस जो दुकान में नहीं है मेरे यार। चलो बाकी मैम, चलो ठीक है आपके भी सारी सामान ले लेते हैं, आपके हो गए टोटल 55.43 सेंट्स, थैंक यू मैम। एप्पल जूस, एप्पल जूस नहीं मिला यार, ओके मैंने एप्पल जूस खरीदा नहीं ना, ओके $7,
चलो जी हो गया। चलो भाई भाई दो मिनट खाली भी नहीं दे पा रहा हूँ यार, लोग आते ही जा रहे हैं। 85.81 आपका ना, थैंक यू सर। लो जी हो गया आपका भी। हाँ तो मेरे को क्या लेना था, एप्पल जूस 5 पैकेट मंगा लेते हैं। उफ भाई ये काम, ये पैसा कमाई भाई कितना मुश्किल है यार पैसा कमाना लेकिन मजा तो आता है भाई, पैसा तो कमा रहे हैं यार। भले रियल लाइफ में नहीं कमा रहे हो लेकिन गेम में तो पैसा कमा रहे हैं दुकान खोल के यार। और ऐसे ये वाला फ्रिज खाली है ना, यहाँ पे रख देते हैं एप्पल जूस और लेट्स गो। परफेक्ट परफेक्ट। तो एक और एप्पल जूस का डब्बा है, इसको भी यहाँ लगा देते हैं और एक और यहाँ पे भी लग जाएगा पूरा का पूरा एक डब्बा। एक और भाई मैं कितना सारा एप्पल जूस मंगाया है यार, ये फ्रिज पूरा भरा हुआ है, ये पूरा फ्रिज एप्पल जूस से भरा पड़ा है। बाकी यार मेरे इसके सामने लाइन लगा है, इसको निकालते हैं। थैंक यू सर, $14 हुए आपके, 14.38 सेंट। थैंक यू यार, थोड़ा महंगी महंगी चीजें खरीदो यार। ये देखो अंकल जी टॉयलेट पेपर खरीद रहे हैं, इतना हकते हैं यार ये टकलू भाई यार अलग अलग चीजें खरीदता है भाई, वो कभी बस चॉकलेट खरीदेगा कभी टॉयलेट पेपर खरीदेगा। बोला था उसको इतना सारा चॉकलेट मत खरीद, आटा खरीद, रोटी खा, चॉकलेट खाओगे तो गाइस पूपू तो होगा यार लगातार। बाकी एक और एप्पल जूस का डब्बा इतना सारा है ना गाइस मेरे पास, किधर लगाऊं एप्पल जूस समझ ही नहीं आ रहा है यार। बाकी टॉयलेट पेपर इतने सस्ते में क्यों जा रहा है, मैं सस्ते में बेच रहा हूँ, महंगे में तो बेच रहा हूँ यार। बाकी ये देखो भाई स्पेगेटी खत्म हो चुका है और पास्ता खत्म हो चुका है और आटा है लगभग और तेल खत्म होने वाला है। लेट्स गो, स्पेगेटी 2 डब्बे मंगा लेते हैं, आटा एक, अच्छा आटा आटा तो है मेरे पास ना, कॉफी पाउडर 2 पैकेट और बासमती चावल 2 पैकेट, दूध तो है, कैंडी फ्लॉस भी है, चॉकलेट भी है, पास्ता ना पास्ता 2 पैकेट। ओके लेट्स गो यार, तेल लेट्स गो भाई, करेक्ट 10 आइटम हुए, मैंने सबको मंगा लिया। चलो भाई आखिरी तेल भी बिक गया अपना शायद यार, 48 सेंट्स। चलो जी हो गया अभी, और इसका $15 सर, $15.60। लेट्स गो। ओए मैडम जी कुछ हेल्दी खाओ यार, रोटी चावल बनाओ घर में, चावल बिरयानी राइस रखा हूँ मैं यहाँ पे यार, घर जाके बिरयानी बनाओ अपने बॉयफ्रेंड को खिलाओ यार, इतने पतले दुबले पतले पतले कमर वाले लड़कियां आ जाती है भाई, अच्छा खाओ यार कुछ तंदुरुस्त। तेल खत्म हो गया दुकान में यार, तेल लगाना है, आई मीन तेल बेचना है। ऑरेंज जूस भाई, ऑरेंज जूस सब तो है यार, ऑरेंज जूस को भी रख लेता हूँ, रुको मैं। लो जी ऑरेंज जूस भी रख लिया मैंने, तेल तो मंगाया यार, ये देखो भाई ये पास्ता। चलो यार एक थोड़ा लेट हो गया ना मैं, ये भी एक सीन है, रात हो गई है ना तो कुछ कुछ सामान है तो नहीं मिलेगी, वो तो है, हर चीज हम लोग के हिसाब से तो नहीं चला सकते राइट। बाकी एक और ये हो गया है, किधर गया, कॉफी थी यार मुझे मंगाने की जरूरत नहीं थी कॉफी। ओके सर जी हो गए आपके सारे जो भी आपने लिए थे, $2.30। थैंक यू। पास्ता स्पेगेटी नहीं मिला, ठीक है यार अभी रखना है पास्ता, $24.05। थैंक यू सर। बाकी यार स्पेगेटी भी खत्म हो गया था, स्पेगेटी का सेक्शन ये है, और तेल भी खत्म हो गया था, तेल का सेक्शन ये है। आज थोड़ा ठीक कमाई हुआ लग रहा है, $1500 लगभग हो गए भाई। मेन मेरा खर्चा किधर होता है पता है, जब रात को दुकान बंद करता हूँ ना मैं, तो ये जो छोटू बैठा है ना भाई नोट गिनने वाला, मेरे को तो लगता है घपला ये करता है यार, बिकॉज मैं इसको सैलरी भी देता हूँ ना हर दिन, जब सुबह होता है ना मैं इसको सैलरी देता हूँ हर दिन सुबह या रात को सैलरी, ऐसा कुछ होता है, पैसे कटते हैं यार इसकी सैलरी के नाम से। तो हो सकता है अपेरेंटली, क्या पता ये बंदा अपने साथ स्कैम करता हो। बाकी वो छोड़ो, ये जो मैं पकड़ा हूँ हाथ में बासमती चावल ये कहाँ रखूँ, ऊपर रख देते हैं। बाकी जो आटा वगैरह, अच्छा चलो कल देखते हैं यार, आज रात बहुत हो गई है। आज भी यार टोटल 39 कस्टमर आए थे एंड आज टोटल हुई $1800 की इनकम, जिसमें से भाई रेंट बिजली बिल काट करके कुछ $200 ही जेब में आए हैं भाई क्या मतलब यार, प्रॉफिट तो उतना ही हो रहा है भाई $200। बाकी दूध लगा दो पूरा, दूध तो खरीद ही नहीं रहे यार लोग, क्या हो गया भाई यहाँ के लोगों को, दूध नहीं पीते क्या। मैं जब छोटा था भाई मम्मी दूध हर दिन दूध पीता था यार, गाय का भाई। बाकी ये एप्पल जूस को कहाँ लगाऊं यार, यहाँ लगा देते हैं। अभी ऑरेंज जूस भी मंगाना है यार, चलो यहाँ पे भी एप्पल जूस थोड़ा सा खाली है, चलो ठीक है लेट्स गो सर। 5 सामान है, चलो भाई मंगा दिया मैंने सबको यार। ऑरेंज जूस कहाँ लगाऊं, कौन से फ्रिज में, ये फ्रिज पूरा खाली है यहीं पे लगा देते हैं। लो भैया एक फ्रिज पूरा का पूरा ऑरेंज जूस का भर चुका है यार, कुछ चीजें कम पड़ती है तो भाई मैं इतना सारा मंगा लेता हूँ ना भाई, ये देखो यार फ्रिज छोटे पड़ जाते हैं भाई, ये देखो यार इधर पूरा ऑरेंज जूस इधर भी ऑरेंज जूस, कमाल हुनी मैं। और एक और डब्बा मंगाया बताओ, 2 फ्रिज पूरा ऑरेंज जूस रखूंगा अभी यार, मतलब कस्टमर ने बेइज्जती कर दी भाई। मैं कस्टमर भी सोचता होगा साले को कल बोला था मैंने जूस नहीं है ऑरेंज जूस, ये साला पूरा 3 फ्रिज भर दिया एक दिन में पूरा जूस से, ऐसा उसको फील आता होगा यार। बट ठीक है सारी चीजें हो गई है, अपना एप्पल जूस को अभी मैं नहीं रखूंगा, एप्पल जूस रख देते हैं बेसिकली यार, अपना फ्रिज भी थोड़ा खाली है तो लगा देते हैं। बाकी स्प्राइट भी है दुकान में, चोको पिकी कहीं पे खाली हुआ, ओके चोको पिकी तो बहुत कम लोग खरीद रहे हैं यार, ये महंगा है क्या। और पानी बॉटल हाँ ये भी शायद से, हाँ चलो ठीक है पानी बॉटल भी भरा हुआ है। चलो भाई एक रैक खरीदने बोल रहे हैं यार, रैक क्या होता है यार, मैनेजमेंट में जाके खरीदना पड़ेगा क्या, ये रीस्टॉकर को हायर करने के लिए। स्टोरेज तो मैंने खरीदा,
क्यों नहीं दिखा रहा है गाइस, कोई ग्लिच हो गया क्या मेरे में? कमेंट में प्लीज बताना यार। बाकी आई गेस अपनी दुकान में अब सब चीजें हैं यार। ओके, दूध के डब्बे खत्म हो गए, सुसु कंपनी का शक्कर भी खत्म हो गया। दूध शक्कर, लेट्स गो, दूध और शक्कर मैंने मंगा लिया। ये रहे अपने सुसु कंपनी के प्रीमियम शक्कर जो कि बनते हैं सुसु से। यार नाम कुछ और रखो भाई, हर्बल रखो, टाटा रखो, कुछ भी रखो, सुसु क्या होता है भाई? आपको मैं बोलूंगा सुसु कंपनी का शक्कर है, खरीदो क्या आप? यार अलग ही यार, पर ठीक है, मेरा ये बचा हुआ है अभी भी यार, थोड़ा सा दूध है इसको रखे रहते हैं। बाकी ऑलिव ऑयल भी खत्म हो गया, हरा वाला तेल, ऑलिव ऑयल भी दो डब्बे मंगा लेते हैं। आई जस्ट फील कि भाई मेरी दुकान में ना कस्टमर्स बहुत कम आ रहे हैं, दैट इज द रीजन भाई कमाई नहीं हो रही है यार। ब्रेड है ना अपने दुकान में? ब्रेड है, नमक है, चाय है, चॉकलेट्स है, पास्ता है, स्पेगेटी है, बासमती चावल है, पानी है, कोका कोला है, क्या चीज की कमी है भाई बताओ यार अब बस। अच्छा चाहिए, कुछ कुछ चीजें हैं यार कमी है, भी रुको। टॉयलेट पेपर्स भाई, राक्षस जैसे तो टॉयलेट पेपर खरीदते हैं भाई, इतना हक है यहाँ के लोग। ये लो भाई, बाथरूम का पूरा सेट मंगा लिया हूँ भाई, ये गिर रहा है यार ऊपर से। ओके, क्या क्या चीजों की कमी थी भाई? पहले तो ये खिड़की साफ करने वाला और टॉयलेट पेपर्स, लो जी हो गए। और रहते क्या नहीं? अच्छा दो ही चार सेट रहते हैं। और शैम्पू तो है यार यहाँ पे, ले भाई शैम्पू। अच्छा टॉयलेट पेपर यहाँ पे और थे यार मेरे पास, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके लेट्स गो, ये पूरा डब्बा था भाई मेरे पास। एक और शैम्पू का डब्बे इधर रखो यार। और एक और खिड़की साफ करने वाला, लेकिन अभी नहीं चाहिए, खिड़की साफ करने वाले को इन दोनों के ऊपर रख देते हैं भाई। देख के भाई देख, तेरे भरोसे रख रहा हूँ, चोरी ना हो जाए यार, समझ रहा है ना? तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ भाई? महंगे महंगे टॉयलेट पेपर है भाई, वरना साले कॉम्बोर्ड में भर दूंगा तुझे अगर एक भी चोरी हुए तो। बाकी चलो खैर, आज दुकान खोलते हैं, सारी चीजें तो आ ही गई है लगभग, बस जमाना बाकी है। ओके चलो भाई, और ये भी है। ओके ये तो एक्स्ट्रा हो गया नहीं, एक और मैंने मंगाया, वाह यार ये तो खरीद रहा है। ओके ठीक है चलो भाई, सारी चीजें हैं अपने दुकान में। एंड एक कैंडी को खरीद लेता हूँ मैं, एक ही पैकेट काफी है। और क्या है, कैंडी की कमी थी, ये खरीद लेते हैं। ये क्या है यार? नहीं ये है, अच्छा खासा इनफ है। एप्पल जूस है, दूध है, पानी है, कोका कोला, स्प्राइट है, लाल रंग का आटा नहीं है यार, आटा इधर है क्या? नहीं इधर तो एक ही वो है। ये क्या है, सुसु कंपनी का शक्कर, आटा तो नहीं है, आटा मंगाते हैं लाल वाला यार। और वो भी आई गेस दो डब्बे मंगाने पड़ेंगे, एक में नहीं होने वाला। चलो ये भी ऑर्डर। हेलो सर, आज ऐसा कोशिश करते हैं यार कि कोई बंदा बोले ही ना कि भाई उसको कोई सामान नहीं मिला। ओके ऐसा वाला ट्राई करते हैं गाइस कि सारी चीजें हम लोग बेच सके यार। और कैंडी, अच्छा मतलब मैं ना दुकान को अब एक बार भी खाली नहीं होने दूंगा भाई, सोच लिया है मैंने यार। और क्या थोड़ा कम दिख रहा है, नमक परफेक्ट है, चॉकलेट्स थोड़े कम हुए हैं, चॉकलेट्स मंगा लेते हैं। चॉकलेट्स आई गेस होंगे यहाँ पे क्या? नहीं है, चॉकलेट्स नहीं है, एक पैकेट चॉकलेट का इनफ है। बाकी और क्या है, नमक है, तेल है, अच्छा ब्रेड बहुत कम हो गया है। ओके लेट्स गो, थैंक यू सर, आपको इतना सारा पीनट बटर का क्या करोगे क्या पीनट बटर को है? चलो हो गया आपका। ये देखो यार लड़कियां ले जा रही है भाई, पानी, तेल, कपड़ा धोने का साबुन, ये सब चीज। अबे चीज नहीं है दुकान में भाई, चीज नहीं है यार, मैं सब चीज रखूंगा बोल रहा था, चीज ही नहीं रखा। 5 पैकेट मंगाओ भाई चीज, पूरा भरना है चीज से यार अब तो। कौन सा फ्रिज पूरा खाली है? ये खाली है ना। ओके चीज आ गई, एक कस्टमर आया अभी यार जिसको चीज नहीं मिला। अब मैं नहीं चाहता कि कोई और ऐसा कस्टमर आए जिसको कोई सामान ना मिले, तो यार हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी चीजें अभी भर दें। आ जाओ भाई चीज एक और, और ब्रेड मैंने मंगाया था राइट। चॉकलेट्स, मैडम जी चॉकलेट्स लोगी क्या फ्री में? ऐसा इग्नोर तो भाई मैं स्कूल में भी नहीं हुआ था, जो आंटी ने अभी क्या। खैर चलो भाई ले जा टॉयलेट यार तू भी। शैम्पू एम्पू ठीक है आपके वो सर, $54.29। ओके यार आंटी ले जा रही है आटा और अंडे भाई, क्या बनाओगे यार? एग रोल, और क्या था, चीज का एक और डब्बा, नहीं आने वाला चीज का एक और डब्बा अभी फिलहाल कहीं पे। किस सर आपके भी हो गए, आपके हो गए $9.78। थैंक यू। चलो भाई और क्या है दुकान में कमी है, ग्रीन कलर का सोप तो है, दूध का डब्बा कम हो गया ना, दूध के डब्बे बड़े वाले दूध के डब्बे ये है, लगा दो भाई। और क्या है, न्यूटेला है, ब्रेड पूरा है यार, मैं फालतू ब्रेड मंगाया। सब चीज है अब दुकान में, आई डोंट थिंक सो कोई चीज खरीदने की जरूरत है यार। स्पैगेटी कम पड़ गया, स्पैगेटी का एक डब्बा भी होगा शायद यहाँ, स्पैगेटी का डब्बा नहीं है, दो डब्बे स्पैगेटी आई गेस काफी रहेंगे राइट। भाई आज यार लिटरली एक या दो कस्टमर ऐसे होंगे स्टार्टिंग में जिन्हें चीज नहीं मिला होगा, बाकी हर एक चीज है अपने दुकान में यार, चीज छोड़ के सब चीज है ठीक है अपने दुकान में, तो किसी चीज की भी कमी नहीं है ठीक है। समझ रहा हूँ अपनी दुकान में क्या क्या चीजें हैं यार, सब चीज ही चीज है यार, जग चीज चीज लगे रे। चलो खैर हो गया यार, लाइट ऑन कर लेते हैं, शाम हो गई है। चलो सर आपके भी हो गए, और वो यार खिड़की धोने वाला भी खत्म हो गया है, कहाँ गया वो, ये क्लीनर मंगा दो भाई, दो डब्बे खत्म होने से पहले रीस्टॉक यार। चलो मैम आपके भी हो गए $31.87। Let's go, ब्रेड, चीज, पास्ता आपके हो गए सर $19। यार अब मैं थोड़ा थक गया हूँ भाई, और आज कमाई भी अच्छी हुई है, एंड आई डोंट थिंक सो आज कोई अपने दुकान में ऐसा भी होगा जिसको लगा हो कि चीजें महंगी हो। बट गाइस एक चीज कभी भी अफसोस है भाई, कल मैंने $10,000 फूके थे, एंड आज मेरे जेब में लिटरली $1,500 ही आया भाई, मैं कल इतना ज्यादा पैसा उड़ाया हूँ, फिर भी नो मोर बेनिफिट्स यार।
आप लोग तो कमेंट में लिख रहे थे कि भाई $20,000 कमाई होगी भाई, इधर तो पांच हजार छोड़ो 2,000 नहीं देखा भाई अपने जेब में। ले भाई चिल्लर पकड़ ले यार, कोई टिप भी नहीं देते हैं भाई यहाँ के लोग यार। बाकी जो है खाली डब्बे हैं इनको भी फेंक देता हूँ यार। और क्या है, दूर का एक ही है डब्बा। हेलो जी यार, ये तो बहुत सारा सामान लेके जा रही है यार। Let's go, 36 cents हो गए आपके मैम, 36.18 आपके हो गए सर, 45.09 cents। चलो भाई और क्या है मेरे पास, पानी बॉटल भी शायद आज बिके। हाँ पानी आज बिका यार, अच्छा खासा चीज है ना। चलो भाई सारे चीज भर दिए मैंने, रखे रहते हैं थोड़ा सी चीज और है। बाकी ये चौकू भी, इसको भी कोई खरीद नहीं रहा, क्या बात है यार, इसको कोई खरीद क्यों नहीं रहा, ये इतना महंगा है यार। बट खैर कोई ना, धीरे धीरे खत्म होगा। शक्कर, लो भाई शक्कर वक्कर बिक रहे हैं भाई, शक्कर दूध हो गया। बट खैर आज के आखिरी कस्टमर है, उसके बाद गाइस दुकान बंद करने का वक्त हो जाएगा। एंड आज थोड़ा कमाई हुआ है, जेब में $2,000 एटलीस्ट आए हैं। और दुकान को आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बड़ा करके यार, और कुछ कुछ चीजें ऐड करूं या फिर और पैसे कमाऊं, क्या बोलते हो यार। $20,000 कमाता हूँ थोड़ा खेल के। बाकी यार ये देखो भाई सारी चीजें, क्या क्या खरीद रहा है यार बंदा। चल भाई तेरे हो गया 7। अब यार देखो मेरा लेवल अप हो रहा है ना, तो इन लोग भी महंगे महंगे सामान खरीद रहे हैं भाई। $71 हुआ एंड फाइनली आज $2,000 कमाई हुआ है। एंड आज का दिन इतना ही काफी था, टोटल आए 40 कस्टमर, $1,600 का इनकम हुआ, $800 प्रॉफिट, मतलब कह लो 1,00,000 नहीं 60,000 रुपए प्रॉफिट आज का। एक दिन में मैं 60,000 रुपीज कमाया। तो खैर गाइस यार आज के एपिसोड में इतने ही भाई, $10,000 लगाने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे $2,000 का ही प्रॉफिट मिला है। बट ठीक है, अब मैं प्लान कर रहा हूँ यार इस गेम में एटलीस्ट $50,000 कमा लूं, उसके बाद अगला एपिसोड डालूं। तो यार क्या ये वीडियो पे मुझे 50,000 लाइक्स मिल सकते हैं, क्योंकि देखा आप लोगों ने $2,000 कमाने के लिए भाई मुझे 3 से 4 दिन लग गए इस गेम के अंदर। तो 50,000 के लिए एटलीस्ट ले लो, 10 दिन तो लगेंगे, मतलब 8-9 घंटे 6 घंटे खेलना पड़ेगा मुझे पता है। तो यार मेरी 6 घंटे की मेहनत और आपकी 1 सेकंड की लाइक एंड सब्सक्राइब, तो भाई प्लीज दबा दो। ये वीडियो पे एम करते हैं 5,000 लाइक्स का, ठीक है, ज्यादा नहीं है ना कम है, आप लोग करवा दोगे इजीली। एंड भाई आप लोगों को तो एक बटन लगेगा, मुझे 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो यार बाकी आपको यार यहाँ पे कार सुपरमार्केट सिमुलेटर का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। बाकी यहाँ पे रहे अलग अलग गेम्स के वीडियो, जाके देखो, मजे करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, चाचा पीस आउट।